5 मिनट में एक बार रिकॉल कर देते हैं। हम लोग जो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, किसका फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं? एनटीओ का। एनटीओ का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। एनटीओ का, एनटीओ का मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सेल या परचेज नहीं करती है। पक्का? चलिए, इसका अकाउंटिंग हम कैसे बताएं? ये लोग कैश बुक मेंटेन करती है, और कैश बुक से ये लोग क्या बनाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कल सिखा दिए आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ये क्या बनाएगा? दो चीज बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएगा। इसके बीच बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा वर्किंग नोट है। बैलेंस शीट तो ईजी है, इसके बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम है, छोटा छोटा वर्किंग नोट बहुत आएगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग जो कल बताए थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये साल के एंड में बनता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फॉर द ईयर एंडिंग। जिस डेट पे बनेगा वो डेट यहाँ लिख देंगे, उसके बाद हमें कोई डेट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अकाउंट है तो अकाउंट टीसीएफ का होता है। यहाँ लिखते हैं रिसीट अमाउंट, इसके आज आगे पढ़ाएंगे, इसी फॉर्मेट से आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ फर्स्ट में क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्राउट डाउन, नहीं, कैश का बैलेंस होगा या बैंक का बैलेंस होगा, जो भी होगा यहाँ लिख देंगे। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या आता है? रिसिप्ट। जैसे एग्जांपल दिए थे, जैसे टू सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ पैसा सब्सक्रिप्शन से आया होगा, कुछ डोनेशन से आया होगा, कुछ स्पेशल डोनेशन से आया होगा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, नहीं स्पेसिफिक डोनेशन, कुछ लोन लिए होंगे तो बैंक लोन, कहीं मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसी तरह कुछ होगा। जितना भी रिसीव होगा, इसमें हम क्या बताएं, दो चीज ध्यान रखना पड़ता है, किस साल का है और किस नेचर का है, कोई ध्यान नहीं देना है, बस पैसा आया और आपको लिखना है, एकदम सिंपल है, पैसा आया लिखना है। थर्ड पार्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? पेमेंट। पेमेंट में जैसे मान लीजिए रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बाय फर्नीचर परचेज्ड, बाय इन्वेस्टमेंट मेड, नहीं इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बाय इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही कुछ रहेगा। चलिए थर्ड पार्ट, इसमें पेमेंट पे भी ध्यान रखना है, किस साल का है, किस नेचर का है, कोई ध्यान नहीं देना है, जितना पेमेंट किए हैं आप रिकॉर्ड कर लीजिए। पक्का? तो लास्टली पार्ट होता है, क्लोजिंग पार्ट होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, मतलब बैलेंस कैरी डाउन, कैश का और बैंक का। नॉर्मली कैश का दिया होता है और बैंक का बैलेंसिंग फिगर में आपको आंसर निकालना होता है, इस तरह से क्लोज हो जाता है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो उसका हो जाएगा, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कल या परसों से, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, आज खाली बता देते आगे कि बहुत इजी है, कुछ इसमें है नहीं, अब जो आएगा वो थोड़ा मजा है। ये तो कैश बुक की तरह है, सिंपल क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको पहचानना है इसमें कितना चीज, चार चीज पहचानना होता है ना। पहला आपका ओपनिंग बैलेंस पहचानना होता है, दूसरा रिसीप्ट पहचानना होता है, तीसरा पेमेंट, और चौथा क्लोजिंग बैलेंस। इसके बीच जो प्रॉब्लम क्या आएगा, खाली ध्यान देना है कि कोई नॉन कैश आइटम नहीं लेना है। पक्का? अगर नॉन कैश आइटम है तो आपको इग्नोर करना है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी बहुत कुछ है नहीं इसमें, इजी है। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे जो 11th नहीं पढ़े हैं, चाहे
कम पड़े तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है एक्सपेंस और इनकम पहचानने में, लाइबिलिटीज पहचानने में। नहीं तो जैसे अभी भी पहचानना सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग को टोटल चार पार्ट है, पहले हम चार पार्ट में इसको डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट ओपनिंग पार्ट, सेकेंड रिसिप्ट पार्ट, पेमेंट पार्ट और क्लोजिंग पार्ट। अब ये ट्रायल बैलेंस की तरह है, तो टोटल कितने आइटम होते हैं? अकाउंट कितने प्रकार का होता है? पांच तरह का होता है। एक होता है जब पेमेंट करते हैं, पेमेंट से क्या क्या क्रिएट होता था याद कीजिए। पहले हम लोग से एक बार इलेवंथ का रिविजन करवा देते हैं। हम लोग कैसे करते थे इलेवंथ में? कैश या तो रिसिप्ट होता है या पेमेंट होता है। जो इलेवंथ में जो नहीं पढ़े वो ध्यान दीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। तो जो पेमेंट करते हैं तो कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो पेमेंट तो कर दिए और कभी वापस नहीं आते, नॉन रिफंडेबल नेचर का होता है। ये होता है एक्सपेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और अगर कुछ पेमेंट ऐसा किए, पेमेंट तो किए हैं लेकिन पैसा वापस आएगा उसमें से, कुछ भी पैसा, तो वो बन जाता है एसेट्स। उसी प्रकार रिसिप्ट है, रिसिप्ट आया आपके पैसा कोई आया और दोबारा वापस नहीं करना है, मतलब नॉन रिफंडेबल है, किसी को वापस नहीं करना है, तो बनता है इनकम। ये सब जगह काम आता है। और कुछ पैसा ऐसा है जो कि रिफंड करना है, तो ये बन जाता है लायबिलिटीज। यहाँ पर कैपिटल भी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ लायबिलिटीज आएगा, सिर्फ लायबिलिटीज। तो ये चार चीज पहचानना है। तो पेमेंट से आपको दो चीज मिलता है, पेमेंट से आपको या तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट्स मिलेगा, और रिसिप्ट में आपको इनकम मिलेगा या तो लायबिलिटीज मिलेगा। आपको छांटना है पक्का, बस यही छांटना है, कुछ बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चार पार्ट है। तो ओपनिंग पार्ट को हम लोग कहीं यूज नहीं करते, ओपनिंग पार्ट का कोई यूज नहीं है, यूज है क्लोजिंग पार्ट का। ठीक है, तो क्लोजिंग पार्ट किसका है? क्लोजिंग बैलेंस किसका है? कैश और बैंक का। ये क्या होता है? एसेट्स होता है, तो सिंपल एसेट्स है ये। ये क्या है? एसेट्स है। तो ओपनिंग क्लोजिंग खत्म हो गया, अब बच गया आपका रिसिप्ट पार्ट और पेमेंट पार्ट। तो जो रिसिप्ट में है इसमें से क्या दो चीज होगा, या तो इनकम होगा क्या अर्पित? एसेट होगा, तो एसेट्स कौन बोल रहा था? आप ही बोले अर्पित, कौन बोला? इनकम होगा या तो लायबिलिटीज। रिसिप्ट से क्या क्रिएट होता है? इनकम या लायबिलिटीज। और पेमेंट से क्या क्या क्रिएट होगा? एक्सपेंस या एसेट्स। अगर नॉन रिफंडेबल होगा, वो पेमेंट ऐसा है जो कि नॉन रिफंडेबल है, सिम्टम अप्लाई करके देखेंगे तो जैसा मतलब एक्सपेंस है, और अगर वो रिफंडेबल नेचर का है इसका मतलब क्या एसेट्स है, क्या इनकम कम होगा। जब रिसिप्ट आया और वो वापस नहीं करना है, नॉन रिफंडेबल नेचर का है, इसका मतलब इनकम है, अगर रिफंड करना है तो क्या है? लायबिलिटीज। ऑनलाइन सबको आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, कुछ आवाज कम जाएगा तो। चलिए अब समझ में आया, अब ध्यान दीजिए, सिंपल है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? चंदा वापस नहीं करना है, मेंबर उसके लिए दिया ना, तो वापस करना है ना। किसी भी ट्रस्ट का जो भी होता है, एनपी होता है, सबसे बड़ा इनकम यही होता है, सबसे मेन इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, समझे आप? तो जो मेंबर देता है तो या मेंबर वापस ले लेगा? ये क्या हो गया? प्योर आपका इनकम हो गया। ऐसा कुछ करना नहीं है, हम तो बताएं ओपनिंग का कुछ नहीं करते, इनकम हो गया। डोनेशन क्या हुआ? इनकम। स्पेसिफिक डोनेशन कल बताए थे आपको, लायबिलिटीज है, क्योंकि जो डोनेशन तो दिए हैं उसको आप, लेकिन उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि साइकिल स्टैंड बनाना है, तो उस पैसे का याद है मम्मी का, बोले थे आप मम्मी मेला घूमने के लिए 100 रुपया दी, तो इनकम हुआ, लेकिन बोली 100 रुपया दी, बोली झोला लेते आना, दो इनकम है, ये लायबिलिटीज है, क्योंकि स्पेसिफाई कर दी ना। स्पेसिफाई नहीं करती तो हम जाते तो चाट खाते, गुपचुप खाते, गलत की सही, झूला झूलते थोड़ा सही। अभी क्या करेंगे, झूला अभी झूला ला कर आना, झूला नहीं झूलेंगे, झूला लेकर के आएंगे, नहीं तो इनकम होगा वो लायबिलिटीज। स्पेसिफिक हो गया तो लायबिलिटीज बन गया पक्का। बैंक लोन लायबिलिटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो जो नए नए स्टूडेंट समझ रहे होंगे, देखिए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वापस नहीं करना है, डोनेशन लेने तो वापस नहीं करना है, बैंक से लोन लिए तो वापस करना है ना, तो रिफंड करना होता है तो लायबिलिटीज बन जाता है, रिफंड नहीं करना होता तो इनकम बन जाता है, और इंटरेस्ट रिसीव किया तो वापस नहीं करना, इनकम बन गया पक्का। उसी प्रकार पेमेंट में रेंट पेड एक्सपेंस, सैलरी पेड एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। समझ लीजिए, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, सारा इनकम, इनकम ये वाला जो इनकम चाहते हैं इनकम को चाहते हैं ले लेंगे, और एक्सपेंस को एक्सपेंस में ले लेंगे, दोनों का बैलेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल है। और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे
तो कैपिटल लेंगे इधर, मतलब कैपिटल लाइबिलिटीज सेट लिखेंगे, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में लिख देंगे, एसेट को एसेट में लिख देंगे पापा, और जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका कैपिटल फंड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। तो टफ कहाँ है? टफ है इसमें छोटे छोटे वर्किंग नोट्स आएंगे वो टफ है, ये तो बहुत सिंपल है, नहीं समझे? हम यहाँ से बोले मेला घूमने जाएंगे और मेला घूम के आ जाएंगे, बहुत सिंपल। लेकिन डिफिकल्ट कहाँ है? मेला में लाइन लगना पड़ेगा, झूला देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, गलत ही सही? सुनने में तो आसान है, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक एकदम साफ समझ में आ रहा है, लग रहा है बहुत सिंपल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कल कौन कौन नहीं आए थे? कल सिर्फ एक आप नहीं आए थे, बाकी तो कल सब आए थे। हर्पिता, आप ऑनलाइन आए थे कि नहीं आए थे? अरे इसीलिए कल ऑप्शन दिए थे कि आप पुराने क्लास से भी एंटर मार देते उसमें से आ जाते, इतना ऑप्शन दे के रखे। चलिए ठीक है, तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो कल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा और आज वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए देख लीजिएगा, समझ में आएगा और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब जो आएगा प्रॉब्लम आएगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा देख लीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके। तो पहले समझ लीजिए कि किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद हम प्रॉब्लम को डिस्कस करें। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को समझेंगे तब तो सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम बताएं कि हम लोग जो ये जो अकाउंट बनाते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक दिन बताए थे क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, बताइए। एक तरफ हम इधर एक्सपेंस लिखते हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं, दोनों को हम मैच कराते हैं। टूर्नामेंट नहीं, मैच का मतलब कि ये दूसरा मैच है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिलान, मिलाते हैं। तो करने का मतलब क्या है कि मिलाने का मतलब क्या होता है, अगर आप एक्सपेंस 12 महीने का लिए हैं तो इनकम भी कितना का लीजिए, 12 महीने का प्रॉफिट आएगा। कोई आदमी अपना दुकान खोलता है और प्रॉफिट और लॉस निकालता है, तो वो अपना इनकम लेगा 12 महीना का, खर्चा लेगा 24 महीना का, तो प्रॉफिट बताएगा सही सही उसको एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट हुआ। अगर वो इनकम 12 महीना का ले रहा है तो उसको एक्सपेंस कितना का लेना चाहिए था, 12 महीने का, तब होता। अगर एक्सपेंस 24 महीना का ले रहा है तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, इनकम भी 24 महीना का देना पड़ेगा, गलत ही सही। इसको बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप 3 महीना का एक्सपेंस लिए तो इनकम भी 3 महीना का लीजिए, तब आपका रियल प्रॉफिट आएगा, नहीं थोड़ी होगा, दो अलग कर देंगे। इसको बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, पक्का? यहाँ तक समझ में आया लॉजिक? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी जो थ्योरी पढ़ाएंगे ना आपको उसमें आएगा, थ्योरी सब बाकी है ना, अभी तो 3 चैप्टर उस सब में आएंगे, तो ये सब आ जाएगा, तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बनता है कैश बेसिस पे बनता है, ये किस पे बनता है, कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, जितना कैश आया होगा सिर्फ हम उसी को लिखे होंगे और किसी को नहीं लिखे होंगे, पक्का? चलिए तो जो नॉर्मली अकाउंटिंग होता है कितने साल के लिए होता है, कितने महीने के लिए होता है, 1 ईयर के लिए बोल सकते हैं, 1 ईयर के लिए होता है या 12 मंथ्स के लिए होता है ना। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सपेंस भी हमको 12 महीना का लेना है और इनकम भी हमको 12 महीना का लेना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं? इसमें प्रॉब्लम क्या है ध्यान दीजिए, ऐसे 11th फाइनल अकाउंट पढ़े हुए हैं लेकिन उससे थोड़ा एडवांस है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है ये नोटिस कीजिए। अभी सपोज कीजिए एक रेंट पेड ले लीजिए, तो हम आपको सीए गुरुकुल का हमेशा एग्जांपल दिया करते हैं कि सीए गुरुकुल का सपोज कीजिए रेंट है 10,000 और हम सीए गुरुकुल का अगर साल का अकाउंटिंग करेंगे तो सियोर है कि मेरा रेंट से मेरा एक्सपेंस कितना होगा, हम दे चाहे नहीं दे, लेकिन हमारा 1,20,000 रुपया खर्च होगा कि नहीं होगा। क्या हम 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा इसका मतलब रेंट में कुछ खर्च ही नहीं हुआ, 1,20,000 तो हुआ, देना है ना भाई, लाइबिलिटीज क्रिएट होगा। अगर 13 महीना का दे देंगे तो फिर भी गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब किसी भी, और जो एनपीओ का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एनटीओ का, सीए गुरुकुल एनटीओ ही है उसका, यही इसी तरह से अकाउंटिंग होता है, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाते हैं, समझे? क्लियर है? तो इसके लिए अभी सीए गुरुकुल एग्जाम्पल यहाँ पर सूट करेगा, सेल परचेज नहीं आएगा, और आप लोग जो दे रहे हो फी नहीं है, एक्चुअली क्या होता है इसके नज़र में, सब्सक्रिप्शन, आप मेंबर हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसी से सीए गुरुकुल चलता है, पक्का? अभी ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, चलिए ध्यान दीजिए, 12 मंथ में मैच कराना है तो सीए गुरुकुल का एक्सपेंस में रेंट कितना दिखेगा, एक साल में बनता है ना एक बार, अभी अभी आप ही ना बोले एक साल, वो मंथली रेंट था, साल का नहीं है, कहाँ मिलेगा हमको, दूसरा रूम दिलवा दीजिए तो कौन साल का 10,000 रुपये ऐसा रूम देगा, ऐसा मजाक करता है, झोपड़ी मिल भी नहीं करेगा, 1,000 का महीना भी नहीं होगा। सोच समझ के बोलिए कितना रेंट दिखेगा, 1,20,000।
हम रेंट का एग्जाम्पल ले लिए, सपोज कीजिए मेरा खाली रेंट खर्चा और कुछ खर्चा नहीं है, और इनकम क्या है, फी है। हाँ चलिए, तो मेरा फी यहाँ का इनकम सपोज कीजिए 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और एवरेज फीस 800 है, तो कितना होगा 80,000, तो महीना का हो गया। अच्छा साल का कितना होगा 9,60,000। अब क्या लगता है, कोई बच्चा फीस नहीं देगा तो मेरा इनकम नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि एसेट्स होगा कि हम लेंगे उससे पक्का। तो मेरा यहाँ पर कुछ भी हो जाए फीस कितना दिखेगा मेरा 9,60,000। चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको, इसको एग्जाम्पल क्रिएट रखे। 1,20,000 कैसे आया है, मेरा मंथली रेंट है 10,000 और 12 महीने का रेंट से मल्टीप्लाई किया पक्का। और यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, सब 800 रुपया देता है, 80,000 रुपया होता है, और 12 महीना देगा तो साल में 9,60,000। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा उम्मीद करते हैं, तो रियल प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, ध्यान दीजिए 9,60,000। ये बैलेंस करने भी नया, कुछ कुछ स्टूडेंट को नहीं आता होगा बैलेंस करना, तो अभी हम कल से शुरू कर देते हैं आप लोग का बैकअप क्लास, तो सब सीख जाइएगा। जैसे बैलेंस करना होता है तो 9,60 - 1,20 कितना आता है 8,40, तो यहाँ पे 8,40 कैसे आता है हम लोग बताएंगे, इसका तरीका होता है बैलेंस निकालने का। तो ये हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो थोड़ा देर के लिए प्रॉफिट ही मानिए, समझ में ज्यादा आएगा, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट 8,40 है। चलिए अब ध्यान दीजिए अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन एक भी ऑनलाइन? नो सर। अच्छा अब्दुल भी ऑनलाइन है क्या आज? किसका आवाज आ रहा है? क्या बोले सर? किसका आवाज, आवाज नहीं पहचान रहा, रुकिए तो एक दो का, सॉरी सर, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा रवि है, सदफ है, हर्ष, ये मनी शर्मा कौन है? सर्वाकार अहमद। अच्छा पकर मनी सर, आप कहाँ गायब हो गए थे बीच में? सर वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, और घूमने निकल गए थे टूर पे शिमला में, तो गाड़ी कहाँ से मन लगेगा शिमला में अभी तक? यस सर। चलिए चलिए गायब हो गए, हमको तो लगा था बर्फ का मजा ले रहे हैं। चलिए रवि, रवि पटना में, रवि नहीं सर, अब जाएंगे सर, मतलब निकल रहे हैं सर। अच्छा ठीक, भी साथ। अच्छा हर्ष आ रहा है, पहला बार हर्ष अभी आएगा, अभी तरह से रास्ते में कॉल किया था आप, तो अपना फोन पे नंबर सेंड कर दीजिए। ठीक ठीक, बाप बड़ा अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए जल्दी क्लास खत्म होता है, हम भेजते हैं। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हकीकत है ना, सही तो है। चलिए कहाँ लगा हमको मनीषा, कहाँ चली गई, समझ में आ रहा है एकदम, ऐसा समझ में आ रहा है एकदम, अजूबा हालात बदल गया। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा फिर से देखिए, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ये जो अकाउंटिंग होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट पे होता है, और ये आप भी जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब तक हम जितने साल का, जितने समय का एक्सपेंस लेंगे, उतने साल का इनकम को मैच कराएंगे, तभी मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगर हम उसको कम बेसी कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा पक्का। तो अब अकाउंटिंग होता है 12 महीने का, तो हम लोग अब किसी भी केस में रेंट लेना है 12 महीने का और इनकम लेना है 12 महीने का पक्का। अब अकाउंटिंग कुछ भी हो जाए, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो कैश बेसिस से बनता है, तो वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका फाइनली इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको लॉजिक? अब देखिए कुछ भी कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए, हो सकता है कि हमने यहाँ पर जो रेंट पेड किया है, ये रेंट पेड किए होंगे 11 महीना का, तो यहाँ पे 1,80,000 दिखता होगा, कौन सा कलर ले, पर्पल थोड़ा दिखेगा नहीं लेकिन पर्पल ले लेते समझने के लिए। सपोज कीजिए यहाँ पे रेंट अगर 1,10,000 दिख रहा है, सबको दिख रहा है? ठीक से नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक, ये एक लड़की का फेवरेट कलर है, एक पिंक और पर्पल, नहीं तो टूथपेस्ट भी खरीदे जाते थे, बोलता पर्पल कलर का, नहीं पर्पल कलर का, ऐसा रहता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो 1,10,000 ये रेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट है कि आपका एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिखेगा, क्या लिखा हुआ दिखेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है 10,000 दिख रहा होगा पक्का, क्लियर है? अब दूसरा लॉजिक आप लोग खुद लगाइए, बताते हैं, सुनिए।
अगर यहाँ पे रेंट पेड दिख रहा होगा 1,40,000, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा उस केस में, प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट, सही है निहालो, गलत मत ठहराइए, एडवांस रेंट, बेचारा इतना हिम्मत करके बोला, एडवांस रेंट कितना दिख रहा होगा 20,000, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट, समझ पा रहे हैं आप, ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, पैसा आए जितना आएगा उतना ही लिखना है, तो एक बार 11 महीना का है तो 11 महीना का लिखे, 14 महीना का पेमेंट किए तो 14 महीना का, लेकिन हम जब बना रहे हैं तो बनाएंगे तो 12 महीना का, तो हमको यहाँ पे जो रेंट दिखाना है 12 महीना का दिखाना है, तो अब ध्यान 11th का अकाउंट है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अब यहाँ पे एडवांस होगा और एडवांस होगा, तो जब 11 महीना का रेंट हम पेड किए हैं, कितना पेड किए हैं 1,10,000, तो एक महीना क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे एक महीना का रेंट हम ऐड करेंगे 10,000, और यहाँ पे हम एक बीसी दिखाएंगे पक्का, और अगर 1,40,000 होता इसका मतलब 14 महीना का रेंट है 1,40,000, तो क्या दो महीना क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 2 months का माइनस करेंगे पक्का, तो यहाँ पे कितना दिखेगा 1,20,000, कहने का मतलब देखिए लास्टली एक बीसी आपको लेकर के आना है, क्या हम एक महीना का भी रेंट पेड नहीं करेंगे, यहाँ पर रेंट पेड आपको जीरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट है 12 महीना का, एक बीस पूरा आउटस्टैंडिंग है, गलत सही, तो यहाँ पर पूरा दिखाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी दिखाएंगे हम एक बीसी दिखाएंगे, बोलेंगे पूरा आउटस्टैंडिंग है, गलत सही, तो यहाँ तक समझे आप, चलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, दोनों के पीछे एक ही अप्लाई होता है, एक ही चीज अप्लाई होता है, सेम चीज के लिए भी अप्लाई होगा, समझ पा रहे हैं, तो हम एक को समझाएंगे आप पूरा समझ जाइएगा, अब एक्सपेंस बोल दिए तो सेम चीज इनकम के लिए अप्लाई होगा, और अब सेम चीज किसी भी प्रकार का एक्सपेंस के लिए हो, बिजली बिल हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, सैलरी हो, समझ में आ रहा, किसी भी चीज के लिए अप्लाई होगा, तो कहने का मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा पक्का, किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन पक्का, कोई दिक्कत है ना, कोई आगे बढ़े, फर्स्ट बेंच कोई प्रॉब्लम किसी को, सेकेंड बेंच, थर्ड, चलिए मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिए आगे, ध्यान दीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, वर्किंग करते हैं, तो अभी रफली में हम वर्किंग क्या किए हैं, सबसे पहला हमने लिखा रेंट पेड, सबसे पहला हम लिखे रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने पेड कितना किया, ड्यूरिंग द ईयर, तो पहला केस ले रहे हैं 1:10 वाला, अगर हम यहाँ पे 1:10 लिखते तो हम क्या करना पड़ता, हमको ऐड करना पड़ता, आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करना पड़ता करंट ईयर का, लग रहा हो सर करंट ईयर क्यों लिख रहे हैं, कुछ लॉजिक होगा तभी लिख रहे हैं, 10,000 ऐड करना पड़ता और आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता 1,20,000, क्लियर है, हम दूसरा सिचुएशन लिए, अगर वहां पे लिखा होता रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेस करना पड़ता एडवांस रेंट, किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, एडवांस रेंट करंट ईयर का, अब जो सिखाएंगे ना वो तो यूनिक चीज रहेगा, माइनस कर लेते, लेकिन लाना तो एक 120 ही आएगा, कुछ भी हो जाए, ये आपको 120 बता दिए इसके लिए दिख रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, अभी आपको 120 बोल दिए इसके लिए दिख रहा है, समझ रहे हैं आपकी 12 महीना का रेंट 10,000 का महीना है, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज नहीं दिया रहेगा, तो आपको खुद बताएगा वहां पे खाली दिया रहेगा पेड इतना है आउटस्टैंडिंग इतना है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, अभी आपको 1:20 इसके लिए ऐड कर रहे हैं ना, आपको हेल्प कर दिए हैं, और यहाँ पे 1:20 लाना इसके लिए 20 माइनस कर दिए, लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि एडवांस रेट माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग प्लस, 11th में भी कॉन्सेप्ट था ना, तो यहाँ पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, अब समझ में उसका लॉजिक आएगा, ध्यान दीजिए, जब हम सबसे पूछे हैं हम कि जब रेंट 1,10,000 पेड किए हैं, फिर से ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट समझिएगा, अच्छा आंसर है, जो आंसर देंगे सोच समझ के देंगे, सब नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे तो अपना नाम बताएंगे कि सर हम बताएं, यहाँ पेमेंट में हम देखे लिखा हुआ था बाय रेंट पेड,
110,000। तो हम बोले कुछ इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा हुआ होगा, सब लोग क्या बोले थे सर? आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब हमने पैसा बाकी लगा दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का 10,000। क्लियर है? चलिए और कुछ हो सकता है कि सही है ये चीज, दिमाग लगाइए क्या कैसे हो सकता है प्रीपेड रेंट। नहीं, अभी सिचुएशन हम सेम ले रहे हैं, अभी सिचुएशन हमारा रियल सिचुएशन है 12 months into 10,000। चलिए हो गया आपका दिक्कत डाउट, अब बताइए क्या यही हो सकता है और कुछ हो सकता है, दिमाग लगाइए कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। हम बता रहे हैं ना वो चीज। चलिए ये नया था तभी ना बोले कि कुछ नया होगा। देखिए अभी बोलेंगे यस सर यस सर यस सर, क्या लगता है हम रेंट रूम ऑनर को अगर 1,10,000 पेड किए हैं तो क्या जरूरी है कि हम बाकी ये लगाए हैं? हो सकता है कि हम लास्ट ईयर उसको एडवांस दे रखे होंगे, समझे आप? उसको पिछला महीना में 31 दे दिए थे 1,20 की जगह पर, बोला था कि अर्जेंट है दे, एडवांस दे दिए थे, इस बार एडजस्ट कर लिए। समझ में आया? थोड़ा अच्छा लगा बोला। क्या कह रही थी, गलत कैसे सोच भी नहीं किए हम तो नहीं। चलिए जरूरी नहीं है कि यही होगा, हो सकता है दिया रहेगा एडवांस रेंट करंट ईयर का नहीं लास्ट ईयर का, तो एडवांस रेंट लास्ट ईयर का। देखिए तो करंट ईयर का हम लोग लेस करते थे, देखे थे इसीलिए हम करंट ईयर लिखते थे, लास्ट ईयर का प्लस हो जाता है। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट फिर कीजिए कि इस साल हमने 1,10 पेड किया और लास्ट ईयर का एडवांस था उसको ऐड करेंगे। पक्का? तो यहाँ पे जो आप लोग हम लोग आंसर निकाले थे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो सकता था या हो सकता था एडवांस रेंट लास्ट ईयर का। देखिए अब लग रहा ना कि अभी हम लोग समझ लिए थे आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है और एडवांस तो लेस होता है, समझे? लग रहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं एडवांस तो लेस होता है ऐड होता है और आउटस्टैंडिंग भी ऐड होता है, लेस होगा अभी, लेस होगा, देखिए अभी कैसे। चलिए अगला एग्जांपल लें, अभी ध्यान दीजिए, अब इसका एग्जांपल लेते कहाँ गया रेंट वाला। जैसे मैं 40 का बोले, अब आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा यहाँ पे, इतना हमको भरोसा है, अब पूरा भरोसा है नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ था बाय रेंट पेड 1,40, पक्का? आप लोग क्या बोले इसका मतलब? सर यहाँ पे लिखा होगा एडवांस करंट ईयर का, इसका मतलब हमने एडवांस दिया है करंट ईयर में कितना उसको 20,000। लेकिन नहीं, एक इंफॉर्मेशन और हो सकता है क्या सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए ऑनलाइन बोलिए सर। एडवांस आप बन रहे हैं, एडवांस बन रहे हैं आप, बोलिए विशाल। विशाल हेलो, आप बताइए, कोशिश कीजिए। यस सर। सर अगले ईयर का होगा, अगले ईयर का तो है, वही तो लिखे हैं अगले ईयर का है कि एडवांस करंट ईयर का है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए पीसर दे दिए, यही है कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा बताएगा सर? पिच लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जरूरी नहीं है 40 दिए हैं तो एडवांस दिए हैं, हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट रहा होगा कब का, लेकिन लास्ट ईयर का इसलिए 40 दिए, तो 1,40 तो दिए हैं, तो इसका इसमें 12 महीने का हमारा, इस महीने का 12 महीने का है, नहीं 12 महीना करंट ईयर का है, 2 महीना तो लास्ट ईयर का है, तो इसको हम क्यों इस साल में लेंगे, इसको तो माइनस करेंगे। इसका मतलब जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे समझ पा रहे हैं? तो माइनस खाली एडवांस करंट ईयर का नहीं हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट भी लास्ट ईयर का हो सकता है, पक्का? इसका मतलब जो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट था कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कहीं ना कहीं था और एडवांस माइनस होता है, 11th में इतने ही सीखे थे, 12th में ये कॉन्सेप्ट भी आ गया, कोई जरूरी नहीं है, अगर वो करंट ईयर का है तब जा करके ऐड होता है, अगर वो लास्ट ईयर का होता है तो लेस होता है, और एडवांस अगर करंट ईयर का, हम लोग सिर्फ करंट ईयर का एडजस्टमेंट पढ़े थे 11th में, इसलिए वो ईजी था, एडवांस करंट ईयर का होता तो लेस होता है, लेकिन अगर वही लास्ट ईयर का होगा तो लेस और माइनस अलग अलग होता है।
चलिए हिंदी इंग्लिश आज फंस गया थोड़ा सा। नहीं चलिए तो अब लास्टली ध्यान दीजिए क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो आप लोग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, रटते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन समझ गया ना तो पूरा क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको किसको समराइज कर देते हैं। किसी भी एक्सपेंस इनकम के लिए आपको कैसे करना है, वर्किंग करना पड़ेगा अलग से। वर्किंग नोट, किसी भी एक्सपेंस या इनकम के लिए कर सकते हैं, एक्सपेंस या इनकम के लिए। चलिए तो पहला क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम जो भी रहेगा उसका नाम लिख देंगे, जैसे रेंट हो गया या फी हो गया। चलिए फी वाला एग्जांपल देते, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल फी पे भी कर लेते हैं, इनकम पे तो समझ में आ जाएगा, सेम चीज होता है पक्का। चलिए उस चीज को समझाते हैं। जैसे हम लिखे थे फी मेरा 960 होगा पक्का। तो अगर यहाँ पे 960 है, अगर मेरा मान लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 9 लाख दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिखेगा, 60,000 रुपया या तो आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर का, या कोई लास्ट में लास्ट ईयर हमको एडवांस दे दिया होगा, तब आज इस बार नहीं दिया। क्लियर है? चलिए अगर 960 की जगह पर ये 980 दिख रहा है, सब कुछ कीजिए 980 दिख रहा है, तो इसमें भी दो केस हो सकता है, या तो कोई 20,000 रुपया कोई एडवांस दिया है करंट ईयर का एडवांस है, या तो आउटस्टैंडिंग होगा लास्ट ईयर का पक्का। एक्चुअली यहाँ पे वाला प्रैक्टिकल नहीं जमता है, हम बोलते तो है लेकिन दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं, नहीं समझ आ रहा है, हो सकता है एडवांस होगा करंट ईयर में, समझ आ रहा है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है, लेकिन चलिए कॉन्सेप्ट तो सिखाना तो पड़ेगा, ऐसा कहाँ दिखा जाता जल्दी। देखिए हमको लगता नहीं है, इस बैच में है, मनीषा दी थी एडवांस की बार, वो दिसंबर में ही जनवरी तक का दे दी थी। होता है, रेयरली होता ही है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। चलिए होता है, खुश रहिए, तो टेंशन हो जाएगा आप लोगों को। चलिए होता है, नहीं देखिए इसमें ना भी देखिए कितना होगा, देखिएगा, नहीं समझ आ रहा है, आगे बढ़े। चलिए इसी का मैं भी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ भी प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेम। चलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, या तो रेंट पेड होगा या फी रिसीव्ड होगा पक्का। इनकम हो एक्सपेंस हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए एडजस्टमेंट सेम होता है, बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, अगर एक्सपेंस होगा तो पेड ड्यूरिंग द ईयर होगा, और इनकम होगा तो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होगा पक्का। एक्सपेंस होगा तो पेड होगा, इनकम होगा तो रिसीव होगा, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर या इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होगा, जो भी होगा यहाँ पर हम फाइनली फिगर बाहर में लिख देंगे पक्का। और टोटल इसमें 4 एडजस्टमेंट होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ही एडजस्टमेंट हो सकता है, इसमें 2 ऐड होता है, आप देखिए अभी 2 ऐड होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है, करंट ईयर का एडवांस लेस होता है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो बिहारी दिमाग यहाँ पे बहुत तगड़ा है, पता है आपको बिहारी दिमाग कैसे, बिहारी लोग कैसे दिमाग लगाता है, देखिए अगर हम बोल दिए ना कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है, तो यहाँ से चारों खींच के निकाल लेगा वो, नहीं समझे आप, मतलब आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, तो अब इसको जस्ट उल्टा कर दिए, तो एडवांस लास्ट ईयर का क्या होगा, प्लस होगा, तो करंट एडवांस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन ये गंदा आदत है, ये बहुत गंदा आदत, समझे आप, आगे प्रॉब्लम कर देगा, इस तरह से पढ़ाई मत कीजिए, बिहारी का दिमाग इसी पे काम करता है, ठीक है, सही बता रहे हैं, मैक्सिमम बिहारी का ऐसे दिमाग काम करता है, नहीं कोई बमकिएगा नहीं, हम भी बिहारी, ऐसा नहीं बिहारी को बोल रहे हैं, मतलब कि हम लोग का गंदा आदत है, समझे, नहीं कहीं भी लाइन लगा होता है तो साइड से रास्ता है क्या, खोजते रहते, नहीं सही, बांस बंदर रस्सी बंदर लेता अंदर से घुस सकते हैं कि नहीं, और कोई घुस गया और देखा कोई डांटना नहीं मार के भागा नहीं तो रास्ता बन गया लगा हम लोग बेवकूफ की तरह खड़े क्यों, नहीं तो अप्लाई भी करके देखते हैं कि मार खाने के लिए आगे बढ़ो, नहीं समझे, अगर मार नहीं खाया तो उसके बाद तो रास्ता बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू लिख देंगे एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर या इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे, इसमें टोटल हम लोग 4 एडजस्टमेंट लिखेंगे, इसमें ऐड होगा 2 आइटम, कभी भी जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का और एडवांस लास्ट ईयर का, इसको डायरेक्टली यहां नहीं लिखेंगे,
इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, इजी हो जाता है, समझे आप, रफ के लिए एक कॉलम और फाइनल कॉलम एक रहता है ना, इजी हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्लस में है यहाँ लिखेंगे, और इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, पक्का। तो अभी इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, अब फिर यहाँ पे लिस्ट करेंगे, फॉर्मेट में बना हुआ है आप लोगों का, हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पक्का। चलिए आगे भी बात कर रहे हैं कोई, क्या आवाज आ रहा है बात करने का थोड़ा थोड़ा, चलिए बोलते नहीं सर, मने मने आपको गरी आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लो सुनाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इसमें लेस करते हैं, लेस क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, लेकिन इसको याद मत रखिए, पहले एडवांस लिखिए, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग ना एडवांस का प्रैक्टिस में है, एडवांस करंट ईयर लेस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस में रहता है, तो एडवांस करंट ईयर, क्योंकि ये प्रैक्टिस में है और ये प्रैक्टिस में है, खाली उल्टा लिख देना है, इजी रहेगा, एडवांस करंट ईयर का है और आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, ये दोनों लेस हो जाएगा। लेस का फिगर को ब्रैकेट में लिखते पता है ना, और दोनों को जो जोड़ के आएगा, दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आपका नेट हो गया, जो करंट ईयर का जो नेट एक्सपेंस या इनकम आपका ये हुआ, समझे, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये दिया हुआ था, लेकिन इसमें से चार एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, 1, 2, 3, 4, और आपका जो मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ये, तो पता है ना 1, 20 या 9, 60 ये दिखेगा आपको, कुछ भी हो जाए ये दिखेगा, इसको बोलते हैं जो मतलब बोलते हैं ना एक्सपेंस या इनकम, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्सपेंसेस या इनकम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही जाएगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये फिगर नहीं जाएगा, एक्सपेंस या इनकम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी आपको डायरेक्टली जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में देख लिए वो नहीं लिखना है आपको, पहले उसमें एडजस्टमेंट करना है, देखना है कि एडजस्टमेंट में चार आइटम में से कोई आइटम देखो, जरूरी चारों हो, कोई एक ही हो सकता है, जैसे फैमिली लेवल में पढ़ते तो एक ही रहता था, या तो आउटस्टैंडिंग या तो रहता था प्रीपेड रहता था, नहीं, लेकिन यहाँ पैसा नहीं, चारों एडजस्टमेंट रह सकता है, और एनपीओ का सबसे बड़ा जो एडजस्टमेंट है इसके इसके बाद एक और है, लेकिन कोई भी बड़ा एडजस्टमेंट है, तो हमको नहीं पता कि समझने में दिक्कत हुआ होगा, हाँ, जो भी आप पेड करते हैं या रिसीव करते हैं उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये कहाँ से लेके आएंगे, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, और ये सब कहाँ से लेके आएंगे, एडजस्टमेंट से, और तो दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेंट या हम फी लिखेंगे, ये लिखेंगे पक्का, उसके पहले एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब शुरू में आते हैं, हम क्या बोले, यहाँ से जो इनकम रहेगा, इनकम को छांट के हम लोग इनकम एंड, अच्छा पहले थोड़ा सा फिर से बता दें, इनकम को छांट के इनकम में ले जाएंगे, लेकिन नहीं, इनकम में ले जाने से पहले घूम के देखेंगे क्या उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होगा तो उसको एडजस्ट करने के बाद लेके जाएंगे, नहीं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट ले जाएंगे, पक्का। उसी प्रकार एक्सपेंस को हम ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे, पक्का, लेकिन लेके जाएंगे तो रास्ता में अगर घूम के देख लेंगे कैसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट करेंगे प्लस माइनस, फिर ले जाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर अगर 1:20 रहता, मुझे लगता है क्योंकि जरूरी नहीं 1:20 के बाद भी एडजस्टमेंट हो सकता था, 10 एडवांस 10 आउटस्टैंडिंग, लेकिन मान लीजिए कुछ नहीं रहता, खाली 1:20 रहता तो क्या होता, डायरेक्ट 1:20 ले जाते, कोई दिक्कत की नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग रिसीट में से इनकम को ढूंढ लेते हैं और पेमेंट में से एक्सपेंस को ढूंढ लेते हैं और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते हैं, पक्का। लेकिन ले जाने से पहले हमको देखना पड़ेगा क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है क्या, एडजस्टमेंट का मतलब ये चार आइटम, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो एडवांस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का एडवांस और आउटस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, पक्का, उसके बाद ले जाएंगे, कोई दिक्कत। तो उसका अलग अलग से प्रैक्टिस कराया क्वेश्चन में, बाद में बड़ा क्वेश्चन करेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले आपको छोटा छोटा वर्किंग सीखना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया, चलिए तब फिर से हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं को, फिर से ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। एक बार समरी समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फिर से फाइनली लास्ट करें पूरा डिटेल, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रिसीप्ट पेमेंट नन कैश आइटम सब कुछ दिया हुआ, पक्का, तीन चीज दिया हुआ है, रिसीप्ट पेमेंट या हो सकता है ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, कोई बात कर रहे हैं प्लीज,
बात करना तो बोलिए 5 मिनट का ब्रेक दे देते, बात कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा, गलत की सही, और बात कर लीजिए नहीं तकलीफ होगा, हम भी 5 मिनट आराम कर लेंगे, गलत की सही, कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्या कुछ हो सकता है, नन कैश आइटम पक्का। हम लोग इससे क्या तैयार करते हैं, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एक्चुअली कैश बुक से इन्फॉर्मेशन दिया है मिला करके। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, 4 पार्ट, ओपनिंग पार्ट लिख लेते हैं, रिसीप्ट पार्ट लिख लेते हैं, जितना भी रिसीप्ट होगा लिख लेंगे, और जितना पेमेंट होगा पेमेंट को लिख लेंगे पक्का, और क्लोजिंग पार्ट पक्का। और फिर हम लोग इससे क्या बोलते हैं, हम लोग 2 चीज बनाते हैं, हाँ इसमें एडजस्टमेंट दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा कुछ कुछ, मतलब जो ननका साइड हम यहाँ लिखेंगे ना उसे एडजस्टमेंट बन जाएगा। ये पूरा चैप्टर समझा दे रहे हैं, उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत आराम लगेगा, अभी हेडेक लग रहा होगा। अच्छा प्रैक्टिस के लिए मालूम पड़ा, सब तो बता ही दिए सर आप, खाली प्लस माइनस करना है, कल देखे थे बताए थे तो कितना ईजी लगा बनाने के बाद, तो कल से हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, आज इतना बता के छोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट में क्या है वही सब दिया रहेगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का या एडवांस करंट ईयर का या एडवांस लास्ट ईयर का या आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, ये जा रहेगा। चलिए तो क्या होता है, इस तरह का और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह रहेगा, समझिए कुछ कुछ और भी रहेगा, ऐसा नहीं है जैसे फाइनल अकाउंट में कैसे था वैसे ही एडजस्टमेंट यहाँ रहेगा। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें इधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे इनकम, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट, इसमें यहाँ होता है कैपिटल, यहाँ लायबिलिटीज, यहाँ एसेट्स पक्का। अब ध्यान दीजिए, ओपनिंग पार्ट का हम बोले कुछ नहीं करते, जो क्लोजिंग पार्ट है कहाँ ले जाते हैं, उसको एसेट्स में ले जाते हैं, और इसमें से हम ढूंढते हैं कि इनकम है कि लायबिलिटीज है, इधर ढूंढते हैं एक्सपेंस है कि एसेट्स है। अगर इनकम है ले जाएंगे इनकम में, कुछ भी पक्का, लायबिलिटीज है, इसमें इससे रिलेटेड हो सकता है, अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा तो इसको भी, लेकिन यहाँ से क्रॉस कराएंगे, अगर कुछ होगा तो हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे पक्का। और जैसे मान लीजिए ना कि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का तो समझ में आ गया, यहाँ ले जाएंगे एडजस्ट करा के, क्या एसेट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो नहीं एडजस्ट करेंगे, तो एसेट्स को भी ले जाने से पहले देंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे, और ले जाते समय देखेंगे अच्छा ओ हो डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन को, यहाँ ले जाएंगे पक्का, और डेप्रिसिएशन को यहाँ भी दिखा देंगे, क्लियर है। तो यही आपका प्रोसीजर है, तो इसका जो बैलेंस आता है, इधर आता है तो बोलते हैं सरप्लस, इधर आता है तो डेफिसिट, अभी सब सीखेंगे, और इधर टोटल एसेट का टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ आएगा, इधर टोटल करेंगे लायबिलिटीज को माइनस करेंगे जो बच जाएगा वो क्या होगा आपका कैपिटल फंड। कभी कभी आपको हाँ कैपिटल फंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल फंड, कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड दिया रहेगा, जब ओपनिंग कैपिटल फंड दिया रहेगा ना तो उसमें आप सरप्लस को जोड़िएगा तब कोई आंसर आ जाएगा पक्का। तो क्लोजिंग कैपिटल फंड बराबर क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस सरप्लस, अगर डेफिसिट रहेगा तो माइनस कर देंगे तब कोई आंसर टैली कर जाएगा पक्का। ऐसे करेंगे तो ओपनिंग प्लस ये, ऐसा आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में क्वेश्चन में आया था याद कीजिए, इसको हम क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाए थे, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना के दिखाए थे, तो वही चीज है। तो यहाँ तक कोई मन में कोई क्वेश्चन, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर नोट से थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, फिर कुछ नया बताते हैं पक्का। चलिए इतना सेविंग, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा